कोरबा के शहीद सुभाष चंद्र बोस चौक में भूतपूर्व सैनिक सेवा संघ द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक सहित एसपी भोजराम पटेल, एसपी केतन राठौर, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को सलामी देकर उनकी शहादत को याद किया। इस मौके पर एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद करना हम सबका धर्म है। उन सबको याद कर संदेश देना चाहिए कि अपने देश की स्वाभिमान और रक्षा सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की कुर्बानी देने की बात आए तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार ये संदेश दिवस भी है। कारगिल की जंग में भारत को मिली सफलता को 22 साल हो गए हैं। साल 1999 में कारगिल युद्ध में देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देशवासी अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा करने वाले वीर जवानों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के करीब 3,000 सैनिकों को मार गिराया था। आज विजय दिवस के रूप में आज हम सभी लोग यहां पर अपने पुलिस के जवान और कोरबावासी एक साथ एकत्रित हुए हैं। लोगों ने अपने देश के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया। उन सबको याद करना हम सबका धर्म है और उन सबको याद करके उन लोगों से एक संदेश देने के मतलब संदेश लेते हैं, मतलब संदेश सपने को करना चाहिए कि अपने देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अगर किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने की बात आती है तो हम सबको पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं साथ ही साथ उनके फैमिली वालों को भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए कि देश की रक्षा सुरक्षा में अपना सब कुछ अर्पित कर सके। तो निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए एक प्रकार का संदेश दिवस भी है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। और आज की यह हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि 26 जुलाई को जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन कोरबा की तरफ से एक आह्वान है कि जो भी सैनिक कोरबा जिले में के वासी हैं, जो रिटायरमेंट होते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है, उसी प्रकार से आज भी हम यहाँ भूतपूर्व सैनिक एक संग इकट्ठा होकर इस कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि 26 जुलाई के जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं पीछे में हमारे पास जो श्रद्धांजलि के फोटो लगाए गए हैं, ये सब वहाँ पर 26 जुलाई को शहीद हुए थे उनकी यादगार के लिए। क्योंकि आज जो हम यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ये उनकी देन है, इसलिए हमें इनकी इस श्रद्धांजलि जो अर्पण करने आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी हम इन शहीदों को नमन करते हुए हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे और इस 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को और भली भांति अच्छी तरह से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।